हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस में आप सबों का स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 में दिए गए सिलेबस शिक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। हम अपने डिस्कशन को यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस के हिसाब से टू द पॉइंट अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से नई शैक्षणिक संरचना जो 5+3+3+4 उसका अवलोकन करेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार विशेष शैक्षिक क्षेत्र क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसी के अंतर्गत लैंगिक समावेशी कोष इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी इस बात को भी देखेंगे। प्रस्तावित अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भूमिका क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात का क्या लक्ष्य रखा गया है उसे हम देखेंगे। और अंतिम में प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप जानते हैं इसे हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति दी गई है। ये 34 साल पुरानी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था, उसे प्रतिस्थापित करने के लिए बनाया गया है। ये भारत का 21वीं सदी के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए, भारत के ज्ञान को प्रोत्साहित करते हुए जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत को बदलने के लिए इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। यदि हम इसके पृष्ठभूमि को देखें तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो पद्म विभूषण प्रख्यात वैज्ञानिक इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठित की गई समिति का है। इस समिति के द्वारा 2019 में मसौदे को केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा मई 2019 के इलेक्शन के बाद इसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जनता से सलाह मांगी गई कि इस मसौदे को आप पढ़ें, समझें और उस पर यदि आपका कोई सलाह है तो उसे दें। इसके बाद अभी यानी कि कुछ दिन पहले इसे केंद्र सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं उसे हम सबसे पहले देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल की गई है वो ये कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो सार्वजनिक खर्च किया जाता है वो अब जीडीपी का 6% के आसपास होगा। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 3% खर्च किया जाता है और पूरे विश्व में भारत का शिक्षा के मामले में खर्च करने वाले देशों में स्थान लगभग 62वां है। यानी कि 61 ऐसे देश हैं जो भारत से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसे अब बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। इसी से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज इस प्रावधान के अंतर्गत किया गया है वो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में क्या किया जाना है। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग किया जाए, इन सब चीजों पर अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसका गठन किया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि यदि आप किसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक हैं, तो आपके पास यदि कोई अनुभव है कि कैसे करके ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है तो आप इस मंच पर अपने विचारों को रख सकते हैं। उसको एप्रिसिएट किया जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसे पूरे देश में लागू कराने की कोशिश की जाएगी। इसी प्रकार के उद्देश्य के साथ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF के गठन को अनुमति दी गई है। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी यूनिट के गठन को भी अनुमति दी गई है। टेक्नोलॉजी यूनिट क्या है? ये एक नई यूनिट होगी जहां पर डिजिटल अवसंरचना, सामग्री क्षमता इत्यादि को
एक जगह पर लाने पर जोर दिया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, जैसे बहुत सारे बुक हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, तो कुछ ऐसी बुक होंगी जिनको उन बच्चों के लिए इस प्रकार से उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो बच्चे सुन सकते हैं तो उनको सुनकर ही समझाया जाए। यदि कुछ बच्चे सिर्फ देख सकते हैं सुन नहीं सकते तो ऐसे तकनीक लाए जाएंगे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाएगा कि वो सिर्फ देखकर सीख सकें, नहीं सुन पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और इससे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ज्यादातर चीजों को डिजिटल माध्यम से लोगों के पास शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। किसके अंतर्गत? टेक्नोलॉजी यूनिट के अंतर्गत। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो फ्रेंड्स 2030 तक न्यूनतम 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री को प्राप्त करने के दिशा में कार्य किया जाएगा। मतलब जो भी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उन लोगों को अब 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री लेना होगा, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। दूसरा, डिजिटल शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, इस क्षेत्र में सहायता करने के लिए जो शिक्षक हैं जो वर्तमान में बच्चों को डिजिटली पढ़ा रहे हैं उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे एजुकेशन दिया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस इस मामले में शेयर करना चाहूँगा। मैं दिल्ली में खुद अभी 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, घर घर जाकर 2 जगह जाता हूँ, 5-5 बच्चों को 2 ग्रुप में पढ़ाता हूँ। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है बच्चों के ऊपर जितना बर्डन है उससे ज़्यादा बर्डन मेरे ऊपर है, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पाने में सक्षम है। वो सिर्फ और सिर्फ आकर थोड़े देर का लेक्चर देते हैं, बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं कोई फिक्र नहीं है। बच्चों को बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, उन होमवर्क को दूसरे दिन सबमिट करके व्हाट्सएप के माध्यम से बनाने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो खींचकर भेजना होता है। बच्चों के पास हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऐसा ही बर्डन है। मुझे खुद को बच्चों को होमवर्क भी कराना पड़ता है, एग्जाम की तैयारी भी करानी पड़ती है, उनको समझाना भी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे इसे कैसे पूरा करेंगे। आप ना तो उसे समझा पा रहे हैं, ना तो उनका होमवर्क करा पा रहे हैं, ना तो उनको जो उनका एक्सरसाइज है उसे करा पा रहे हैं, गणित के छोटे छोटे थियरी को भी वो नहीं समझा पाते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में वर्तमान की समस्या है जब से ऑनलाइन शिक्षा शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है। तो इसीलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ऐसे तकनीकी शिक्षा दी जाए ताकि वो बच्चे, ताकि वो टीचर कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चों को ऑनलाइन भी समझ में आ जाए। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा ये काफी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव किए जाने हैं। फ्रेंड्स, आने वाले 2025 तक सार्वभौमिक रूप से जो बच्चे 3 साल से लेकर 6 साल के बीच के हैं उन लोगों को प्री प्राइमरी स्कूल शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, चाहे वो आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाए या फिर जो शहरों में प्री स्कूल होते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, जो वहां पर देखकर छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, इसको 2025 तक लागू कराने की कोशिश की जाएगी। आप इस समय सीमा को याद रखेंगे 2025, कितने से कितने साल के बच्चों के लिए? 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए। अगला, 2030 तक इस बात का प्रावधान करने की कोशिश की जाएगी कि माध्यमिक स्तर तक जो 5+3+3 जो रखा गया है, तो टोटल जो 11 क्लास तक का पढ़ाई है वो 100% बच्चे जो हैं वो कर ही लें, इस बात का प्रावधान किया जाएगा 2030 तक, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, बच्चों को जब वे 6ठी क्लास के आसपास होंगे वर्तमान प्रावधान के अनुसार, तो वहीं से उन लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देने की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहां पर बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही
व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। आप सोच के देखिए कि कुछ बच्चे यदि ऐसे हों जो प्राइमरी स्कूल में ही साइकिल बनाना सीख लें या फिर कोई तकनीकी ज्ञान सीख लें, यदि किसी कारणवश उनको पढ़ाई 11वीं के बाद छोड़ना भी पड़ जाता है तो वे अपना जीविका चला सकते हैं। या फिर आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद कमाते हैं, खुद पढ़ते हैं। ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उनके पास ज्ञान है कि कुछ करके कमाया जा सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको पैसा कमाना नहीं आता है। तो इसीलिए ये चीन से एक सबक लेकर इस चीज को लागू किया गया है कि 6वीं क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। काफी अच्छा प्रावधान है। इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। इंटर्नशिप कहने का मतलब ये होता है जब बच्चे ग्रेजुएशन पर होते हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो उन बच्चों को क्या किया जाता है कि उनको अलग अलग जो प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे शहरों में चाहे फिर महिंद्रा कंपनी है वहां पर, तो वो बच्चे वहां पर जाते हैं, जाकर उसे देखते हैं और जिस प्रकार से वहां पर कार्य किया जा रहा है इंजीनियर्स के द्वारा या फिर जो शहर है वहां पर जो नगर पालिका या फिर नगर निगम होती है उनके द्वारा, उसे वास्तविक स्तर पर स्थल पर जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे उनका व्यावसायिक ज्ञान बढ़ता है और जब वो इस क्षेत्र में जाएंगे और खुद उस क्षेत्र को, उस चीज को लीड करेंगे, कार्य करने की कोशिश करेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे क्योंकि उनको पहले से एक्सपीरियंस होएगा। तो इसी चीज को 6वीं क्लास से ही अब लागू किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रावधान है। अगला, अब 5वीं क्लास तक जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। जो राजस्थान में है उनको राजस्थानी के हिसाब से, जो लोग गुजरात के हैं उनको गुजराती भी हिसाब से, जो लोग झारखंड में हैं वो संथाली भाषा बोलते हैं तो उनको संथाली भाषा में शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। ऐसे जो लोग ओडिशा से हैं तो उनको ओडिया में देने की कोशिश की जाएगी। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि बच्चों को जो बर्डन होता है कि पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश में और उनको घर वगैरह में बात हो रही है या तो वहां जो रीजनल लैंग्वेज बोला जाता है उसमें, तो वो ज्यादा उन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए इस बात को लागू किया गया है कि वो घर में जिस बात को कर रहे हैं, जिन बातों को लेकर वो अपने परिवार में करते हैं, उसी चीज को वो उसी भाषा में पढ़ें तो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। 5वीं क्लास के बाद उनको विकल्प दिया जाएगा, वो चाहें तो अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा आगे बढ़ाएं या फिर वो कुछ दूसरा भाषा चुन करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला, जैसे मैंने आपको बताया कि आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के माध्यम से बच्चों को 3 क्लास से लेकर 6 क्लास तक प्रावधान किया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्र मिशन छेड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, आपने जो प्रथम नाम करके एक एनजीओ है जिसके द्वारा भारत में कितने लोग एजुकेटेड हैं उस बात पर रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो हैं 5वीं क्लास में लेकिन 1ली और 2री क्लास की किताब को भी नहीं पढ़ पाते, यहां तक कि प्लस माइनस या फिर स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन चीजों को भी वो अच्छे तरह से नहीं समझ पाते। तो इसलिए ये किया जाएगा कि जो भी बच्चे अभी वर्तमान में कक्षा 3 तक हैं, आने वाले 2-3 सालों में क्या होगा, जब 2025 आएगा तब तक वो लोग 7वीं 8वीं क्लास में हो जाएंगे, तो उन बच्चों में इस बात को कंपलसरी रूप से प्रावधान करने की कोशिश की जाएगी कि बच्चे कम से कम संख्या को पहचान सकें, प्लस कर सकें, माइनस कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। इसके लिए एक राष्ट्र मिशन के हिसाब से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्र मिशन लॉन्च किया जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। जो बोर्ड की परीक्षा का प्रावधान है इसके बारे में पूरी खुलकर अभी बातें सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रावधान बताया गया है उसके हिसाब से कि शिक्षा के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा और उसके अंतर्गत जो विद्यार्थी होंगे, जो छात्र होंगे, उन लोगों को 2 बार परीक्षा देने का अनुमति होगा। इससे उनके ऊपर बर्डन कम होगा। रट कर परीक्षा देने का जो प्रावधान है वो अब बदलने लगेगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो स्कूली प्रशासन है उसमें परिवर्तन किया जाएगा और इसके लिए एक नई गुणवत्ता स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना तथा सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों को विनियमित
करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल के छात्र होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के छात्र होते हैं उनमें बहुत बड़ा गैप होता है, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो इस चीज को पाटने की कोशिश की जाएगी इस प्रावधान के अंतर्गत, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाता है, क्या किया गया है? अभी तो हम लोगों ने हाई स्कूल के लेवल तक देखा स्कूली शिक्षा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग अभी जो शिक्षा पढ़कर आए हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो लोग कितने साल का है? 3 साल का। IIT जिन लोगों ने किया है 4 साल का। मेडिकल जिन लोगों ने किया है 5 साल का। तो अलग अलग प्रावधान है। अब क्या किया जाएगा कि जो उच्च शिक्षा है वो 4 साल का होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। MPhil की डिग्री जो है समाप्त कर दी गई है, अब दिया ही नहीं जाएगा, प्रावधान ही नहीं है। तीसरा प्रावधान जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, कानूनी और चिकित्सा के मामले में जो शिक्षा दी जाती है उसको छोड़कर जो बाकी उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो IIT है, चाहे वो NIT है, या फिर जो मैनेजमेंट से संबंधित पढ़ाई होती है, या फिर जो JNU वगैरह में जो मानवीय से संबंधित जो पढ़ाई होती है, उन सब को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए एकल निकाय का गठन किया जाएगा, और वो होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अभी क्या होता है कि जो हायर एजुकेशन है, जो IIT वगैरह है, उनको रेगुलेट कोई और करता है, जो NIT वगैरह होता है उसको कोई और करता है, ऐसा अलग अलग प्रावधान है। अब ऐसा नहीं रहेगा चिकित्सा और कानूनी वाले शिक्षा को छोड़कर, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से विभिन्न शिक्षा संस्थानों के मध्य अकादमिक क्रेडिट को अंतरित एवं गणना को आसान करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, महाविद्यालयों को 15 वर्षों के चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, और इसके जिससे प्रत्येक महाविद्यालय स्वायत्त डिग्री देने वाले संस्थान अथवा विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सकेगा। कहने का यह मतलब है कि आपने अभी बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि ऑटोनोमस कॉलेज चलते हैं, मतलब कोई एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग कॉलेज होते हैं, और वो कॉलेज ऑटोनोमस होते हैं, वे अपने शिक्षकों की नियुक्ति खुद करते हैं, अपना जो पाठ्यक्रम होता है उसे खुद डिसाइड करते हैं, वो अपने कॉलेज के हिसाब से ही डिग्री देते हैं। तो ऐसा बहुत सारा प्रावधान है, इसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसे और बढ़ावा दिया जाएगा। अभी ऐसा प्रावधान नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं कि कैसा पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाए, यूनिवर्सिटी जब अनुमति देगा उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस चीज को अब खत्म किया जाएगा, और यदि ऐसा किया जाता है तो इसके लिए क्रेडिट यानी कि पैसे की आवश्यकता होगी, और उसी पैसे को पूरा करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें इस बात को लक्षित किया गया है कि जो उच्चतर शिक्षा में वर्तमान का एनरोलमेंट रेट है वो लगभग 3% के आसपास है, उसे 2035 तक बढ़ा करके 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जो लोग उच्चतर शिक्षा में जाते हैं, जो MPhil का तो प्रावधान हटा दिया गया, तो उससे नीचे का जो प्रावधान होता है मास्टर्स डिग्री वगैरह करने का, तो इस प्रावधान उसमें इनरोलमेंट रेट को 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो सीट हैं उनको 3.5 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा, ये नया सीट जोड़े जाएंगे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन के उनमें, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और जबरदस्त बात जो इसमें जोड़ा गया है वो ये कि जनजातीय और देशज ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से अब शिक्षा पद्धति में, भारत की शिक्षा पद्धति में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो परंपरागत रूप से भारत के अलग अलग दूर दराज के इलाकों में है, जैसे कि दवाइयों का ज्ञान है, जैसे कि योगा से संबंधित कुछ ज्ञान है, जैसे कि कुछ हथियार बनाने से संबंधित ज्ञान है, बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिनको अभी सीखने की जरूरत है। आप सोच के देखिए, कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे जो आयुर्वेदिक ज्ञान है वो नाना दादा और ये गांव के वैद्य वगैरह जानते हैं, यदि वो भारत के एजुकेशन सिस्टम में जुड़ जाएं
तो कितनी बड़ी समस्या सुलझ सकती है, आप इसे सोच सकते हैं। तो उसी ज्ञान को अब भारतीय शिक्षा पद्धति में जोड़ा जाएगा और उसको वैज्ञानिक तरीके से जोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं कि कुछ तुक्का लगाकर बस जोड़ दे रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से जोड़ा जाएगा। बहुत अच्छी शुरुआत है, इसको बिल्कुल रूप से लागू किया जाना चाहिए। अगला, समान और समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए क्या किया गया है। इसमें किया क्या गया है कि बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनको आर्थिक, सामाजिक या फिर जातिगत बाधा का सामना करना पड़ता है, उनके लिए एक अलग तरह से क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा जिलों के हिसाब से और उनको विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, जिन क्षेत्रों में जो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं उनको अलग अलग समस्याओं, जातिगत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको पहचान लिया जाएगा और उसको उनकी आवश्यकता के हिसाब से एजुकेशन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, पैसा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, तकनीकी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि वे जो भारत का लेबल है, जो एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट होता है जो शहरी लेवल पर होते हैं, उन लोगों पर लाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए जो क्षेत्र को पहचाना जाएगा जिलों के हिसाब से, उसको विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, जो लड़कियां होती हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर छात्र होते हैं उनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप अभी देख रहे होंगे कि जिस जब से महिलाओं को, बच्चियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर बच्चियों के नंबर ज्यादा आते हैं। मैट्रिक लेवल पर भी आप देखें, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या फिर जो दूसरे ऐसे रिजल्ट आते हैं उसमें आप देखें बच्चियों का रिजल्ट काफी अच्छा होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से उनको समानता में लाने के लिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं ट्रांसजेंडर को भी समानता में लाने के लिए लैंगिक समावेशी कोष का गठन करने का प्रावधान किया गया है। मुख्य बात आप ये याद रखेंगे कि इस कोष को किसके द्वारा गठित किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा। इसे आप ध्यान रखेंगे। वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान करने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या फिर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वंचित समूह के लोग हैं, उन लोगों में जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, चाहे स्कॉलरशिप देकर उनको प्रोत्साहित किया जाए, चाहे उनको लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग कार्य किए जाएंगे। पूरा खुलासा नहीं किया गया है, बस आप यही ध्यान रखें जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए वित्तीय प्रावधान भी किए जाएंगे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आपको हमारे डिस्कशन का पीडीएफ अभी लिंक में नीचे दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करें, 2 से 3 बार इन प्रावधानों को पढ़ें। आई होप कि इसी के आसपास एग्जाम के प्रश्न आएंगे। यदि आपने समझा है तो निश्चित रूप से आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।